आज आप देख रहे होंगे कि एक चिता आपको दिखाई जा रही है। शमशान घाट आज हम पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपको आज शमशान घाट में मैं दिखाने वाली हूं, शिवपुरी में मैं दिखाने वाली हूं, जो आपने पहले कभी ऐसा नज़ारा जो है वो नहीं देखा होगा। जी हाँ, पीछे आप देखेंगे कि शिवपुरी है, शमशान घाट है, और साथ ही साथ जन्माष्टमी का त्यौहार है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कल जो है जन्माष्टमी की एक भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि उस शोभा यात्रा के लिए कहाँ कहाँ क्या कुछ जो है तैयारियां करनी पड़ती है, और क्या कुछ रहता है, कैसे तैयारियां की जाती है। तो ये आज शमशान है और शमशान में हम पहुंचे हैं, और यहां पर ऐसा क्या कुछ हो रहा है जो आपको लगेगा कि आपने ये जो है 5 से 10 मिनट या आधे घंटे का जो है वो एक शो देखा होगा, लेकिन बात की जाए 1 महीने की पूरी तैयारी के बाद जो है आप वो शोभा यात्रा देख पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको वो चीज़ दिखाई जाए जो आप अपने पर्दे पर ज़रूर देखते हैं कि क्या कुछ है, आधे घंटे की जो अगर कहें शोभा यात्रा है, लेकिन उसके पीछे जो महीनों लगते हैं, उसके पीछे काम कौन करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने आप में कि शमशान घाट है, शिवपुरी है, और यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा आपको ज़रूर दिखाएंगे और उन लोगों से मिलाएंगे जो इस पूरी शोभा यात्रा के पीछे होते हैं। एक एक कर कर आपको झांकियाँ दिखाएंगे, जी हाँ, जो तैयार हो रही है, और लगभग लगभग 1 महीने से इन पर काम चल रहा है। कल वो जन्माष्टमी के त्यौहार पर आप देखेंगे कि माखन किस तरह जो है कन्हैया चुराते थे, या फिर उनकी माता उनको किस तरह रोकती थी, और भी बहुत सी यहाँ पर झांकियाँ हैं जो आपको दिखाते चले जाएंगे, और इनसे पूछेंगे कि आखिर कैसे जो है इतनी मेहनत का ये काम किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, तो एक बार बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है इस झांकी का मोटिव है, क्योंकि हर झांकी के पीछे आपको एक संदेश दिया जाता है, एक बात, एक संदेश उस तरह पहुंचाया जाता है जिसे आप समझें और अपने जीवन में भी अमल करें। तो एक बार जो है रविंदर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस झांकी को किस तरह तैयार किया जा रहा है। सर, इस पे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं सबसे ज्यादा, तो क्या कुछ ये हमने बियाबान जंगल दिखाया है, और जंगल में भगवान राधा कृष्ण झूलते हुए नजर आएंगे, भगवान के जो भक्त हैं वो उन्हें देखेंगे, भगवान किस तरह झूलते थे और कैसे रास करते थे, सब झांकी हमारी अलग अलग बनी हुई है। तो सर, क्या इस पे कुछ रास लीला जिस तरह से होती थी उस पर वो नजर आएंगे? बियाबान जंगल है, ये जंगल की सीनरी लगी हुई है पीछे, और ये मैंने झूला बनाया है बहुत सुंदर, इसमें एंगल लगा हुआ है, कोई कहीं स्पॉट नहीं है किसी भी चीज़ की, और इसमें सारा ही जंगल जंगल नजर आ रहा है और ओरिजिनल है सारा। कितना का टाइम लगता है आपको, एक शोभा यात्रा तैयार होकर निकलती है, लोगों को वो दिखता है, तो उसके पीछे कितना टाइम लग जाता है एक ये कोई टाइम की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन टाइम तो ऐसा है, मैं तो सर्विस मैन हूँ, मैं सर्विस करता हूँ सिविल हॉस्पिटल में, मैं डेंटल टेक्नीशियन हूँ, मैं 2 बजे फ्री हो जाता हूँ, उसके फ़ौरन बाद मैं मेरा काम होता है शिवपुरी की सफाई, ये सब कुछ देखना, मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहाँ पर बंधक हूँ, और मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं सभा के प्रति काम करूँ, और मैं ये शोभा यात्रा प्रबंधक भी हूँ, इसलिए मैं शोभा यात्रा सारी तैयार कराता हूँ। जो यहाँ पर स्वरूप बनते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग कौन होते हैं और कहाँ से आते हैं? बच्चे कोई पेड नहीं होता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जन्माष्टमी को रामलीला भवन में जैसे हम मेकअप करते हैं, बच्चे आर्टिस्ट आते हैं हमारे पास मेकअप करने के लिए, तो हम बच्चों को सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं जिन पे मतलब भगवान का रूप खिलेगा, उनको मतलब बुला के अंदर उनका मेकअप कराते हैं, और ड्रेसेस हमारे पास बहुत बढ़िया हैं, एक से एक उन्हें राधा कृष्ण की जोड़ियाँ तैयार करते हैं, माँ भगवती की, मतलब अलग अलग जैसे वासुदेव जी हैं, सब किस्म के हर तरह से कलाकार एक से एक बढ़ के मतलब निखार के बाहर आता है, और उसको हम झांकी में बिठाते हैं। सर, ये क्या कोई भी आ सकता है कहीं से भी? कोई भी आ सकता है, किसी कैसे आपको संपर्क करे अगर चाहता है कोई आपको? हमारे यहाँ 3 दिन की भजन संध्या है, सेवक सभा रजिस्टर करनाल 1936 से ये प्रोग्राम करती आ रही है, और 3 दिन का हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम जोड़ियों कुआ श्री सेवक सभा हॉल है, उसमें होता है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, उसमें जैसे कार्यक्रम ख़त्म होता है, समापन होता है रात को, उसके फौरन बाद हम एक मतलब माइक में निवेदन करते हैं सभी बच्चों को कि वह बच्चे रामलीला भवन में ठीक 12 बजे आएँ और उनको हम चूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है आप भी आकर अगर कुछ आप स्वरूप में करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर भी कला है तो आप आ भी सकते हैं। और जो यहाँ पर बहुत पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ काम कर रही है और जिस तरह से ये झांकियाँ सजाई जाती है, एक बार जो है उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है, क्या वो खुद भी स्वरूप बनते हैं। सर नहीं, पहले हम बनते थे और काफ़ी आगे हमारे बच्चे भी बन रहे हैं और छोटा जो पोता है वो अभी कृष्ण का रोल इसी झांकी में जो है और वो चार पांचवी पीढ़ी अब हमारी चलेगी यहाँ। मतलब कि दादा पोता सब पड़पोता मेरा नहीं, मेरे पापा अभी भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वो भी आते हैं और वो इस सभा के मेंबर भी हैं। 1936 से सभा गुरु की जो पदवी है वो उनको मिली हुई है, आज भी वो एक्टिव हैं और वो आएंगे। सर मतलब ये क्या कोई शौक है आपका जो परिवार के हर सदस्य इस तरह? हाँ, ये हमारा शौक ही है और कोई पेट नहीं है, बिना जो है एक शौक के बिना ये कार्य नहीं होता। जब तक बिना हर कोई पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रभु का नाम है, इसमें जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो उतना ही अच्छा है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि और भी बच्चे जो हैं वो आएँ और आकर के इसमें जुड़ें और भाग लें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जब इस गेटअप सीनरीज को देखते हैं ना, और एक अलग ही आकर्षित होता है। सर क्या नाम है आपका, एक कलाकार हो लोगों को? हाँ, वीरेंद्र शर्मा मेरा नाम है। तो सर क्या क्या अब तक स्वरूप आप बने हो, आप कभी कुछ बने हो? हाँ, इसमें तो नहीं, रामलीला में तो बने हैं। रामलीला में तो सबसे पहले जब हम बहुत छोटे थे तब मैंने फर्स्ट चांस जो है वो सीता का रोल किया था। सीता बने थे। मतलब सर बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप किसी टाइम में, और अब उसके बाद फिर राम का रोल भी किया, दशरथ का रोल भी किया। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही वैसे वैसे हमें रोल मिलते जा रहे हैं, और अब भगवान जी की कृपा से भरत का रोल भी किया, आगे प्रभु की कृपा है। तो सर एक डायलॉग तो बनता है किसी भी एक सर सीता बने थे आप, उसका एक डायलॉग उन्हीं का बता दीजिए। रविंद्र क्या था वही, मेरे को जान नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इतने टाइम से काम कर रहे हैं, एक शौक कह सकते हैं, एक सर मन लगता है आपका इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट है। अब ये तैयारी करने में अब इतना अच्छा लगता है कि हमें अब बच्चों को तैयार करने में मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और जब हम खुद बनते थे तब हम बच्चों को तैयार भी करते थे और खुद अपना कार्य भी। पीछे से आवाज़ आ रही है, एक गाना सुना दीजिए सीता का। हरि मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, नाथ के दर्शन बिना एक पल रहा जाता नहीं। देख सकते हैं बिल्कुल दिल से जो है इन्होंने ये गाना गाया, और आगे आपको जो है सारी झांकियां धीरे धीरे करके दिखाएंगे जो आपको वहां पर मिलने वाली है। जब आप शोभा यात्रा देखेंगे उसके पीछे कितने महीनों की मेहनत है वो ज़रूर दिखाएंगे, और जो कलाकार इससे जुड़े हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कितनी बारीकी से वो लोग काम कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये शिवपुरी है, शमशान है जहाँ पर ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, अपने आप में एक अलग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अलग ही जो है एक फील आ रही है यहाँ पर कि उधर शमशान है जहाँ लोग जो है अपनी आप कह सकते हैं कि अंतिम यात्रा पूरी कर कर चले जाते हैं। तो यहाँ से एक ये शोभा यात्रा निकलने वाली है, फिलहाल आगे चलकर आपको सारी जो है वो झांकियां जरूर दिखाएंगे, उनकी एक एक झलक जरूर दिखाएंगे। आपको पीछे एक बहुत सुंदर सी झांकी जो है वो नजर आ रही होगी, और ये देख सकते हैं इस पर काम किया जा रहा है, और आप जो है इसको पूरा तैयार होने के बाद करनाल में जब शोभा यात्रा निकलेगी उसमें देखेंगे। फिलहाल ऐसा यहाँ पर जो है मटकी, भैया यहाँ मटकी लगाने वाले हो, ऊपर मटकी लगेगी, और यहाँ पर यहाँ सब रूप तो देख सकते हैं, यहाँ मटकी लगेगी। जिस तरह से आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण किस तरह से माखन चुरा कर खाया करते थे, और अलग अलग जो है झलकियाँ एक बार आपको दिखाएंगे आगे चलकर। जो ये रथ देख रहे हैं आप तैयार हुआ है, सामने अगर बात की जाए तो इस पर कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान बैठने वाले हैं, और आगे यहाँ बीच में जो है उनके प्रिय मित्र सुदामा होंगे जो एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देंगे कि किस तरह से उनको सिर्फ कान्हा का जो है वो सहारा रहा। बहुत अच्छी एक झांकी पीछे भी है जहाँ पर आपको देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सा सर्प का ये जो छत्र है वो ज़रूर नज़र आ जाएगा, और
किस तरह से जो है ये तैयारियां हो रही हैं, ये अपने आप में एक अलग बात है। ये पूरा शमशान है, शिवपुरी है, जहाँ पर भगवान के लिए जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तैयारियां की जा रही है। देखिए सुंदर सा जो है आपको एक रथ नज़र आ जाएगा, जिसके पीछे बिल्कुल लगाए हुए मोर पंख। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मोर भी खुश हुआ करते थे तो किस तरह से वो जो कान्हा जी की बांसुरी बजती थी, सब जो है जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो जाया करते थे और उसके बाद नाचते थे, यानी कि उसको महसूस करते थे। और बहुत सुंदर सी ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये जो पीछे की तरफ लगाई जाती है, तो यहाँ पे लगातार इस तरह के रथ हैं। ये सब वो हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं एक शोभा यात्रा के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उस पूरी शोभा यात्रा निकाली जो जानी है, उसको किस तरह से तैयार किया जा रहा है। ये देखिए सुंदर सुंदर जो है यहाँ पर झांकियाँ फिलहाल अभी ये तैयार हो रही हैं, कल जो है ये शोभा यात्रा निकलने वाली है। और भी एक दो झांकियां जो है वो आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। एक बार ये देखिए कि यहाँ पर भी बहुत सी झांकियां रखी हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो है वो सामने आपको जो है वो कान्हा जी ज़रूर नज़र आ जाएंगे। और साथ साथ जो है सबसे मेन बात ये है कि कई सालों से ये लोग इसी तरह से तैयारियां कर रहे हैं, इसी तरह से जो है ये सब कुछ बनाया जा रहा है। और एक ये सबसे सुंदर झांकी जब आपने देखा होगा कि जब हम सबके प्रिय, सबके दुलारे आप कह सकते हैं जी, जब कान्हा जी का जन्म होता है, तो वो उस वक्त जब जेल में जन्म होता है, और किस तरह से ये वो जेल दर्शाई गई है पूरी, कि इस जेल में अपने आप उसके दरवाजे खुल जाते हैं जब जो है वासुदेव उनको लेकर उनके पिता जो है वो यशोदा मैया के घर छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये उस तरह का एक चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो पैदा इस जेल में होते हैं जब उनके मामा जो है कंस ने उनके माता पिता को एक जेल में कैद किया हुआ था, उनका जन्म इस तरह एक जेल में होता है, लेकिन अपने आप दरवाजे खुलते जाते हैं और अपने आप जो है वो यशोदा मैया के पास पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो सारी झलकियां दर्शाई। और सबसे बड़ी बात ये वाली अगर आपको बता दें, यहाँ पर भारत माता का जो है स्वरूप चित्र तैयार किया जाएगा, और सारी जगह इसी तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत से काम किया है। अब कल आप इस शोभा यात्रा को पूरा तैयार होने के बाद देखेंगे। जी हाँ, पूरी तैयार होने के बाद देखेंगे, और कई दिनों की मेहनत है। और इसी तरह से आप को सबसे अलग बात जो लगी होगी वो ये लगी होगी कि शमशान में जो है पूरी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि ये सभा जो जिस तरह से जो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं वो यहीं पर रहते हैं, यहीं तैयार सारी झांकियां की जा रही हैं। तो किस तरह से आपने ये समझा, और आपको क्या कुछ लगता है कि भगवान भी जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर शिवपुरी में आपको शिव भगवान की मूर्ति ज़रूर दिख जाएगी। तो ये कई बार जब हम अपने जीवन को जो है जीवन समाप्त होता है उसके बाद जब ऊपर जाते हैं, कहा जाता है कि ऊपर जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अंतिम जगह होती है जहाँ पर एक व्यक्ति का शरीर पहुँचता है। और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह अपने आप में उस भगवान से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि यहाँ शिवपुरी है, नाम ही शिवपुरी रखा जाता है। और आप जो है सारी जो चिंताएँ होती हैं सब कुछ उन सब चीज़ से दूर होकर जो है इस दुनिया की कह सकते हैं कि मोह माया से दूर होकर चले जाते हैं। वहाँ पर इस तरह की अच्छी सुंदर चीज़ें तैयार की जा रही हैं और आपको दिखाई भी जाएगी। तो यहाँ पर अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करें, और आपका क्या कुछ कहना है, बहुत मेहनत से तैयारियाँ ज़रूर की जा रही है। और जो लोग तैयारियाँ कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं वो इसी तरह का कोई मतलब आप कह सकते हैं कि आप भी आकर जो है आप कुछ अगर स्वरूप के कला अपनी दिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर बन सकते हैं। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहें। ये तस्वीरें हैं शमशान घाट से। जी हाँ, आज मैं कह सकती हूँ कि हम जो है लाइव तस्वीरें आपको शमशान घाट शिवपुरी से दिखा रहे हैं। तो अपील यही रहेगी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हर वीडियो का अपना एक मकसद होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेहनत है जो काफ़ी तैयार की गई है। और काफ़ी आपने देखा कि उनकी चार पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं। जी हाँ, चार पीढ़ियां, तो सबका अपना एक मन होता है कि हर कोई किसी ना किसी तरह से हमारे देश में अपनी अपनी सेवाएं दे रहा है, अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, भगवान से जुड़े हैं। तो अपील रहेगी वीडियो को आप शेयर भी करते रहें, और आपको ये सारी झांकियाँ कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल के शिवपुरी से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।